बहुत अब मैं वजे अजम इस्लामामी जमहूर पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब को दावत खिताब देता हूँ बसिल्ल रही कना कस्त जनाब स्पीकर, सदर साहब जनाब वज़ी अजम मम्बर्स आज़ाद कश्मीर असम्बली ख़वान हजरात और मिनिस्टर्स देखिए मैं बड़ी दिलचस्पी से सुनी आप सब सबकी तकरीरें वज़ी अजम साहब की तकरीर मैं फॉलो कर रहा था कि किधर से किधर जा रही है कभी वो आज़ाद कश्मीर से चली जाती थी खैबर पख्तुनख्वा कभी वो बलूचिस्तान मैं फ़ॉलो कर रहा था मैं दो चीज़ें पहले आपकी तकरीर के ऊपर कॉमेंट करता हूँ फिर मैं जो मैं आज जिस मकसद के लिए आया हूँ मैं उसके ऊपर बात करूँगा देखें एक चीज ये ज़हन में डाल लें कि जो पोटेंशियल पाकिस्तान में है शायद ही दुनिया में किसी मुल्क में है इसके पोटेंशियल की मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि हमें खुद पाकिस्तानियों को अंदाजा नहीं है मैं समझता था कि बहुत पोटेंशल है क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हमने इस मुल्क को बड़ी तेजी से ऊपर जाते देखा फिर हमने इस मुल्क को नीचे आते देखा तो हमें पता है कि ये किधर जा सकता था सिक्सटीज के अंदर यह सारी दुनिया साठ की दिहाई में दुनिया पाकिस्तान की मिसाल दिया करती थी एक किताब निकली थी जिसमें पाकिस्तान के मुतलक उन्होंने कहा था कि सारे एशिया का कैलिफोर्निया पाकिस्तान बनने जा रहा है सबसे खुशहाल तबका और हमें वो दिन याद है और फिर क्या हुआ ट्रेजिडी पाकिस्तान की कि वो बदकस्मती से उस ट्रेजेक्ट्री पर नहीं गया वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया और दुनिया की तारीख जब आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से हर कौम के अंदर कई उसूलों उस पर चलती है तो कौम ऊपर चली जाती है जब उसों से पीछे हटती है तो कौम नीचे आ जाती है ये हमारा नहीं है दुनिया की तारीख उठा के देखें कैसे बड़ी कौम बनती है एम्पायर बन जाता है फिर वो नीचे आ जाती है तो वो हम कोई हम अगर हम जो अल्लाह के बनाए हुए कानून जो हम जब मदीना की रियासत की बात करते हैं तो मदीना की रियासत में सरकारें मदीना ने कई कानून बनाए थे उन्होंने कई प्रिंसिपल्स रखे थे जिसकी वजह से वो कौम ऊपर गई थी इसलिए कुरान हमें कहती है अल्लाह कुरान में हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो उन, उनकी जिंदगी से सीखो तो वो क्यों कहते हैं क्योंकि दुनिया की तारीख में इस तरह बड़ा इनकलाब आया नहीं जो वो हुआ है वो तारीख का हिस्सा है तो कोई असूल उन्होंने अपनाए थे जिससे वो कौम उठी थी और फिर जब वो नीचे गए चार पाँच सौ साल के बाद तो वो उन असूलों से पीछे हट गए थे तो हमारा भी यही हाल है लेकिन मायूस कभी नहीं होना होना चाहिए मुझे आज मायूसी आपकी बातों से फील हुआ है कि जिस तरह आप आ, मायूस हुए हुए हैं ये नहीं कि एक आपने वज़ी साहब कश्मीर की पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान को उठाने के लिए आ, उठाना चाहिए कुछ थिंक टैंक्स होने चाहिए और आपने जो सब की भी बातें आई ऐसे लगा जैसे कोई आपको आप अंदर से थोड़े से हारे हुए हैं तो मैं इसलिए जो आज आपसे बात करूंगा मैं आज आपको जो मेरा तज् इस सारी चीज़ का मैं बिल्कुल आपसे दूसरी तरह सोच रहा हूँ मैं ये समझ रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से कश्मीरियों को एक अल्लाह ने ऐसा ऐसे दौर से गुजार रहा है जिसकी अब एंड कश्मीर की आज़ादी है अगर ये पाँच अगस्त ना होता तो मैं आज इतना पुरुद ना होता मैं समझता हूं कि पांच अगस्त में पांच पिछले पांच अगस्त को नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे और मैं अभी आपको उसकी एनालिसिस देता हूं सबसे पहले वो चार जम्पन जिसके ऊपर ये पांच अगस्त का इसने फैसला किया नरेंद्र मोदी ने 370 और 35A ए को खत्म कर रद्द करके उसने जो फैसला किया इसके ऊपर उसने चार उसके पीछे assumptions थी नंबर वन वो चाहता था इलेक्शन जीता था बड़ी बाहरी अक्सरियत से और किस चीज पे जीता था पाकिस्तान की नफरत पे हिंदू कार्ड खेला उसने और जो हिंदू बेस को उसने उठा दिया और इलेक्शन स्वीप कर गया और उसने जो पलवामा को एक्सप्लॉयट किया पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें जिस तरह की कैंपेन की गई कि वो चौकीदार है पाकिस्तान को सबक सिखाएगा तो उसका सारा मकसद ये था कि अपने हिंदू बेस को उठाए और उस बेस ने उसको भारी अक्सरी से जता दिया तो पहला चीज़ तो उसने ये फैसला किया कि अब आगे बढ़ा जाए यहां से उसी बेस को और साथ जोड़ो और बेहतर सबसे क्या था कि कश्मीर का जो पहले से वो कहते जा रहे थे कि स्पेशल स्टेटस हटा देंगे इस इनकी मैनिफेस्टो में भी था वो पहले पहले दौर में डर रहा था ये करते हुए लेकिन इलेक्शन में जो उसको भारी अक्सरित मिली तो उसने वो कदम उठा लिया और उसने सन, और अपने बेस को और इसमें कोई शक नहीं कि जो उसका बेस था हिंदुवता का जो बेस था उसने उसमें बड़ी पसीराई मिली जब उसने कश्मीर में एक कदम उठाया जो दूसरी उसकी असम्पशन थी वो ये कि पाकिस्तान चुप करके बैठा रहेगा क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे थे दोस्ती करने की हमने बार बार हिंदुस्तान से कहा कि आप एक कदम उठाएं हम आप दो कदम आपकी तरफ आते हैं अगर अमन होगा तो तजारत बढ़ेगी गुरबत कम होगी और हमारा मसला कश्मीर का हम डायलॉग से हल कर सकते हैं ये हमारी प्रपोजल थी उससे तो उससे पहले भी जब ये पैलेट गन्स इस्तेमाल कर रहे थे हमारे आने से पहले और जुल्म तो इससे पहले से जब पहले बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई तो जुल्म तो शुरू हो गया था कश्मीरियों पे लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था ना पाकिस्तान ने उठाया ना यूनाइटेड नेशन में उठाया ना दुनिया में कोई बात कर रही थी कभी कभी अखबार में कोई बाहर मजमून आ जाता था लेकिन पाकिस्तान का तो रिस्पॉन्स नहीं था इसलिए उसने ये अस्यूम किया कि पाकिस्तान फिर चुप करके बैठा रहेगा क्योंकि पाकिस्तान को इतनी ज़रूरत है हिंदुस्तान की तकबर याद रखें कि इस सब के पीछे तकबर है वो अपने आप को इतना ताकतवर और ये जो उनकी स्टेटमेंट्स के जो नया नक्शा बनाया कि वो सारा इलाका आजाद कश्मीर भी अब हिंदुस्तान में है इसके पीछे तकबर था तीसरी उसको पता था कि दुनिया के अंदर इस वक्त हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है सवा अरब सवा अरब लोग हैं हिंदुस्तान में दुनिया चाहेगी इस बड़ी मार्केट में हिंदुस्तान से ताल्लुक़ अच्छा रखे और वो ठीक समझ रहा था दूसरे तो को दुनिया चुप करके बैठी रहेगी और दूसरी चीज़ कि इसको जो मगरब है वो इसको, इसको इस्तेमाल करना चाहती है चाइना के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस करने के लिए क्योंकि वो चाइना से खौफजदा हैं वो बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा है तो उनका ये सोच थी कि क्योंकि इसकी ज़रूरत है मगरब को चाइना के खिलाफ तो दुनिया चुप करके बैठी रहेगी और जो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन की इसने वो चौथी थी कि जब वो आठ लाख फौज कश्मीर में उनको दबाएगी दहशत होगी उसकी पहले से ही वो म तो कर ही रहे थे तो वो जब खौफ फैलेगा और फिर जब उनके ऊपर वो एक्शन लेंगे और कर्फ्यू लगाएंगे उनकी सारी लीडरशिप उठा के ले जाएंगे उनके जो बच्चे हैं उनको भी पकड़ के और सोलह हज़ार नौजवानों को हिंदुस्तान में जेलों में ले जाएंगे तो दहशत फैल जाएगी और फिर डेमोग्राफी बदल देंगे हिंदुस्तान की आ, कश्मीर की वो जब थर्टी फाइव दूर करेंगे तो वहाँ के सेटलमेंट करेंगे वहाँ बिल्कुल बात ठीक है कि आरएसएस के वो जो दहशत गर्द हैं उनको वहाँ लेके आएंगे वो मजीद और दहशत फैलाएंगे और फिर जब वो पूरी तरह इनको कश्मीरियों के ऊपर पूरा जब अपनी पावर दिखाएंगे और दहशत दिखाएंगे तो कश्मीरी हाथ खड़े कर देंगे ये चार एजम्शंस के ऊपर ये पांच अगस्त का स्टेप लिया गया अब मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में इसने स्ट्रटिजिक ब्लंडर किया याद रखें बड़े बड़े दुनिया में ताकतवर कॉमें ये तकबर के अंदर गलत फैसले करके तबाह हुई है हिटलर सबसे ताकतवर फौज पूरा यूरोप फतह दिनों में फतह कर लिया और उसने जो अटैक किया रशिया पे और फिर जब उसके जनरल्स कह भी रहे थे कि सर्दी आ रही है और फौज को रिट्रीट कर लो तकबर में उसने अपनी सारी ताकतवर फौज तबाह करवा दी रूस में और उससे पहले नपोलियन ने यह किया वो भी सारा यूरोप फतेह कर चुका था उसने भी यूरोप रूस पर हमला किया उसको भी जब पता चला कि उनकी सर्दी आ रही है और बर्फ़ पड़ेगी उसके भी तकबर के अंदर उसने अपनी सारी फौज तबाह कर ली और ये सारी तारीख में इस तरह के आप उठा के देखेंगे कि मिस कैलकुलेशन हुई हैं तो ये जो इसकी सबसे पहली जो इस मिसकेलकुलेशन में गलती ये हुई कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठा रहा पाकिस्तान दुनिया आप एक साल के अंदर देख लें पांच अगस्त से अब तक तीन दफा सिक्योरिटी काउंसिल ने पैंसठ के बाद कश्मीर का नाम लिया जो यू, यू, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स दो रिपोर्टें निकली इसके ऊपर इनके जो जुल्म हो रहा है कश्मीर पे उसके अलावा मैं खुद दुनिया के सारे टॉप लीडर से बात की उनको बार बार समझाया डोनाल्ड ट्रंप को दो तीन दफा समझाया कि कश्मीर कितना खतरनाक है दुनिया के लिए फ्लैश पॉइंट है चांसल मर्कल जर्मनी की बोरिस जॉनसन इन सब से मैंने खुद बात की मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट, इन सब से मैंने बातें की सबको समझाया कि ये हो क्या रहा है कहीं को समझ ही नहीं थी कश्मीर की लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हुई क्योंकि उसके बाद जो हमने अगली चीज की हम मीडिया पे गए न्यूयॉर्क टाइम्स शुरू में मेरा मजमून ही नहीं छापता था इसके ऊपर जो कश्मीर में हो रहा था उनको मैंने समझाया कि ये जो आइडियोलॉजी है नरेंद्र मोदी की जिस तरह आप जब कहते हैं ना कि हिटलर से किया वो असल में आप सिर्फ सिर्फ इनके फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने बनाई थी आर एस एस उनकी आप तारीख पढ़ लें उनकी बायोग्राफीज पढ़ लें वो तो खुद कहते हैं कि हम मुतासर थे नाटस से और हिटलर से और वो खुद कह रहे हैं कि जो यहूदियों से कर रहे थे नाटस वो ठीक कर रहे थे और यही हमें मुसलमानों से करना चाहिए ये तो ब्लैक एंड वाइट में है तो जब मैंने वहां टाइम्स के बोर्ड को मैंने बताया देखिये जब जो तब्दीली आई है ये पहली दफा बांग्लादेश जब बना उसके बाद सारी इंटरनेशनल मीडिया मगरब का प्रो इंडिया हो गया और एंटी पाकिस्तान रहा आप उठा के देख लें बड़ी कम मगरब के अंदर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुजना किया जाता था तो हमेशा हिंदुस्तान की को बेहतर लाइट में दिखाया जाता था कि प्लूरल सोसाइटी है पा, पाकिस्तान की नेगेटिव चीजें आती थी इस एक साल में देख लें पांच अगस्त से अब तक देख लें जो मगरबी मीडिया में जितनी दफा आर्टिकल्स निकले हैं ये पहली दफा निकले हैं तंकीद हुई है क्योंकि उन्होंने खुद जब स्टडी किया तो उनको पता चल गया कि इनकी असल में आइडियोलॉजी है क्या इनकी वही आइडियोलॉजी है जो नार्थी जर्मनी की थी देखिए ये जो आइडियोलॉजी नरेंद्र मोदी की है ये पहली दफा कोई नहीं लेके आया इंसानी तारीख में जो दो किस्म के लीडर्स होते हैं एक वो लीडर होता है जो सबसे अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इंसानों को इकट्ठा करते हैं रहमतमीन इंसानों के लिए रहमत बन के आए उसके बड़े कायदे आजम जब शुरू हुए थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर समझे जाते थे तकसीम नहीं करता लीडर नल्सन मैडेला साउथ अफ्रीका के अंदर जब रेसिज्म नस्ल प्रस्ती उधर पहुंच गई कि कालों को एशियंस को और आ, 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 गोरों को इतनी आपस में नफरतें थीं कोई नहीं सोच सकता था कि साउथ अफ्रीका तबाही से बचेगा एक नेल्सन मंडेला आया इंसानों को इकट्ठा किया लीडर था जो नॉन लीडर होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वो नफरतें फैला के वोट लेता है हमारे माशरे में देख लें उठा के कराची में एक आया था लसानियत के ऊपर उसने क्या कराची की तबाही की नफरतें फैलाता है अपने जाति फायदे के लिए वोट लेने के लिए ये नरेंद्र मोदी वो लीडर है ये वो आदमी है जिसने नफरतें फैला के मुसलमानों के खिलाफ जो इसने गुजरात में किया कोई दुनिया के अंदर लीडर नहीं बन सकता था जिस तरह गुजरात में इसने मुसलमानों कत्ले आम किए हिंदुस्तान की अपनी रिपोर्ट्स पढ़ लें उनकी सुप्रीम कोर्ट के एक जज की रिपोर्ट पढ़ लें और इसी को द, इसको बाहर जाने की ये ब्लैक लिस्ट हुआ हुआ था बाहर नहीं जा सकता था मगरब में इंग्लैंड में अमेरिका में नहीं जा सकता था वो आदमी जब लीडर बना तो शुरू में सोचा कि शायद जब पहले बीजेपी आई थी तो वो भी लोग डरे हुए थे कि ये भी इंतहा ये एक्सट्रीमिस्ट इनकी आइडियोलॉजी है लेकिन जो इनके तब वाजपेयी थे उन्होंने फिर ऊपर आके अब मॉडरेट बन गए सेंटर की तरफ आ गए लेकिन लेकिन नरेंद्र मोदी असल में जो अंदर से है वो बाहर आ गया नफरतें इंसानों के खिलाफ नफरतें और ये आहिस्ता आहस्ता जो हमने जाके कैंपेन की उनकी लीडरशिप से बात की मीडिया पे आप मजमून लिखे आज नरेंद्र मोदी दुनिया में एक्सपोज है और इससे क्या हुआ इससे सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि आज दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है जो मेरे ख्याल में जो इनके लिए समशन थी कि आखिरी समशन की कश्मीरी इनके ऊपर इतना वो जुल्म करेंगे कि वो चुप करके कबूल कर लेंगे जेनोसाइड इतनी करेंगे कि वो डर जाएंगे नहाते लोग हैं सबसे बड़ी चीज है कि अब दुनिया की नजर कश्मीर पे है ये जो समझ रहे थे कि उनके ऊपर तशद करके बिल्कुल उनको क्रश कर देंगे वो अगर उस एक्सटेंट पे जाएंगे दुनिया का रिएक्शन आएगा ऑलरेडी यूरोपियन पार्लियामेंट में डिस्कशन है बर्तानिया की पार्लियामेंट पे है फिर हमारी जो आपने बात की डायस्प्रा कश्मीरी पाकिस्तानी बाहर उन्होंने जिस तरह की एक साल में देखें न्यूयॉर्क के अंदर कभी इतनी पब्लिक नहीं निकली किसी इवेंट पे जो कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के बाहर पब्लिक निकली थी कभी इतने लोग नहीं निकले ह्यूस्टन में पब्लिक निकली जब नरेंद्र मोदी तकरीर करने आया था तो ये वो भी एक्टिवेट हो गए मीडिया भी एक्टिवेट हो गया उनकी पोलिटिकल जो इसके बावजूद कि उनके ताल्लुक हिंदु, हिंदुस्तान से बेहतर थे उसके बावजूद वो एक्टिवेट हो गए उनको बोलना पड़ा जर्मन चांसलर जब गई वहाँ इंडिया में तो उन्होंने भी बात की आ, अमेरिकन प्रेसिडेंट हालांकि उनके इतने अच्छे तल्लत हैं पब्लिकली उन्होंने बात की कि कश्मीर का हम मैं मीडिएट करना चाहता हूं तो कम अज़ कम दुनिया की नज़रों में अब कश्मीर आ गया इसका मतलब ये कि जिस तरह का ये जुल्म करना चाहते थे उनको क्रश करने के लिए वो नहीं कर सकते जुलें हैं इसमें कोई शक नहीं लेकिन जो मेरे ख्याल में जो इनका प्लान था जिस तरह इन्होंने फौज वो जुल्म नहीं हुआ और मैं अपनी पाकिस्तान को हम क्रेडिट अपनी गवर्नमेंट को हम क्रेडिट देते हैं कि हमने जो इसको उठाया इंटरनेशनली उसकी वजह से ये वो नहीं कर सके और जो सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि कश्मीर के लोग जो ये समझ रहे थे कि वो इस दहशत इस तरह की दहशत देख के बिल्कुल हाथ खड़े कर देंगे मैं आज ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने कश्मीर के लोगों की कि जिस तरह की प्रोवोकेशन और जुल्म के बावजूद आज उनका मुराल खड़ा है जिस तरह का कि पाकिस्तान का झंडा उन्होंने उठाया हुआ है श्रीनगर के अंदर इनकी स्पिरिट बजाय टूटने के वो और मजबूत हो गए और एक और चीज़ हुई है आज कोई प्रो इंडियन कश्मीर का लीडर बन ही नहीं सकता उन्होंने इतनी नफरत हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कर दी है इस एक्शन के कि अब कोई भी जो प्रो इंडियन लीडर हो वो कश्मीरी कामयाबी नहीं हो सकता आज जो उन्होंने कश्मीरी लीडर्स को बंद किया है फारूक अब्दुल्ला के मुँह से है मैंने खुद फारूक अब्दुल्ला को मिला था कई कॉन्फ्रेंसिस पे दिल्ली में आ, दस पंद्रह साल पहले वो हमेशा प्रो इंडिया की बात करते थे कि जी बात ना करो कश्मीर अब इंडिया के साथ है और तक वगैरह वगैरह बड़ा क्लियर थे वो उनके मुंह से मैं सुन रहा हूं कि कायद आजम ठीक कहते थे वो अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो कायद आजम कहते थे वो ठीक है हमारे से धोखा हो गया तो इस वक्त ना कोई कश्मीर का अब लीडर बन ही नहीं सकता जब तक अगर वो प्रो इंडिया है क्योंकि नफरत फैल गई है दूसरी जो कश्मीर का नौजवान है वो जो गालिब का शेर है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई वो इतने अब मजबूत हो गए हैं मौत से खौफ चला गया है जिस तरह की हैवी प्रेजेंस हिंदुस्तान की फ़ौज की है उसके बावजूद वो लोग निकलते हैं जब मौका मिलता है कश्मीर के लोग निकलते हैं कश्मीरियों की स्पिरिट नहीं वो तोड़ सके जो एक चौथी मेन असम्पशन थी कि वो हाथ खड़े कर देंगे और ये जितना भी अब जिधर से जितना भी आगे जाएगा जो मैं इंसानी तारीख के ऊपर मेरा जो तज् है मैं ये समझता हूँ कि ये अब हालात बिगड़ते जाएंगे हिंदुस्तान के लिए मैं नहीं समझता कि उनके लिए आप वो खुद फंस गए हैं जो अंग्रेजी का वर्ड है ब्लाइंड एली बंद गली में फंस गए हैं वो वो अब यहाँ से पीछे हटते हैं तो कश्मीर आज़ाद हो जाता है वो कितनी देर इस तरह रखेंगे सारी दुनिया देख रही है और हम मैं आपको ये शोर करता हूँ कि हर फोरम के ऊपर हम इसको उठाते रहेंगे मुझे अफसोस था कि हमने कितनी हाइट पे लेके गए और हमारा पूरा प्लान बना हुआ था कि कश्मीर के कॉज को उठाना है तो वो एक, एक मार्च का ऐलान कर दिया जिसने सारा टेंशन एक महीना सारा उसी उस पर चला गया और ये पिछले पाँच महीने में कोरोना की वजह से बिल्कुल कोई इंटरनेशनल सारी दुनिया को अपने अपनी पड़ गई तो उनको किसी और कॉज़ के ऊपर तो वो भी नहीं सोच रहे लेकिन हमारी पूरी प्लानिंग है मैं आपको आज़ाद कश्मीर की असम्बली को कश्मीर के लोगों को मैं आज आपको पूरे इतमाद से कहता हूँ कि हर फोरम के ऊपर हम इसको उठाएंगे और उठाते रहेंगे और इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं ये जो नक्शा पॉलिटिकल मैप कश्मीर का आया मैं इसके पीछे आपको इसके पीछे अपनी फिलॉसफी बता दूँ देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होता है दुनिया की तारीख में आइडिया एक आता है और फिर वो आइडिया उस आइडिया के मतलब कहते हैं कि एन एन आइडिया हैज कम कोई फोक सकती उस आइडिया को ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चों को सारे पाकिस्तान में पता चले कि असल में जो हम अगर यूनाइटेड नेशंस और मैं वाजे कर दू कि हर फोरम पर हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के ऊपर मसले का हल होना चाहिए कोई ऐसा फोरम नहीं है मैं यूनाइटेड नेशन से लेके हर जगह और इस नक्शे के ऊपर भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन सो हम इस चीज के ऊपर क्लियर है हाल ही इसका एक है और ये जरूरी था करना क्योंकि हिंदुस्तान ने जो नक्शा बनाया आज़ाद कश्मीर भी सारा अंदर और बल्तस्तान भी तो ज़रूरी है कि रिएक्ट करें हम बताएं कि असल में ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ये कभी भी ये कभी भी हिंदुस्तान की टेरिटरी नहीं थी ये इलीगली उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है और ये जो सब कुछ काम किया ये उन्होंने अपने लीडर्स नेहरू की स्टेटमेंट्स पढ़ लें उसके बयान पढ़ लें सब वादा करते रहे कश्मीरी को कि उनको राइट मिलेगा का रेफरेंडम का फैसला करना कि अपनी अपनी फ्यूचर का वो राइट नहीं दिया गया मैं आखिर में एक चीज़ पे ख़त्म करता हूँ और मैं अपने जो हमारे कश्मीर के हमारी भाई बहन बच्चे बूढ़े खातन मुश्किल वक्त गुजार रही हैं मैं सिर्फ उनके लिए दो तो तीन मिसालें दे के ख़त्म करना चाहता हूँ अपनी बात उससे पहले तो हम इन श्ला चौदाह अगस्त आग। को सईद अली जलानी को हम ऑनर करेंगे निशान पाकिस्तान दे के हम समझते हैं एक बहुत बड़े सिर्फ कश्मीर के लीडर नहीं दुनिया में भी कहीं इस तरह का इंसान हो वो दुनिया का में लीडर तस्लीम किया जाता है जो अपने मौक़ पर बिल्कुल खड़ा है और थ्रू आउट खड़ा रहे और किसी किस्म का खौफ नहीं है देखें मेरी जिंदगी का तजर्बा यह है कि इंसान हारता तब है जब वो हार मान जाता है जो इंसान हार नहीं मानता हार उसको हरा नहीं सकती यह खेलों के ग्राउंडों पे भी मेरा यह तजर्बा है दुनिया की तारीख आप उठा के देख लें तो यही आपको चीज नजर आएगी कायदे आजम आप उनकी सिर्फ कायद आजम की जो आखिरी सात साल हैं उनकी तारीख पढ़ लें कोई भी सात साल पाकिस्तान के बनने से पहले सोच नहीं रहा था कि पाकिस्तान बनेगा सारी सारी आप अकाउंट्स पढ़ लें वो कहते थे दीवाने का ख्वाब है ये हो ही नहीं सकता कायद आजम जब पहुंचते हैं तीन हफ्ते पाकिस्तान के बनने से पहले कराची में लैंड करता है उनका जहाज तो वो अपने जो ए डी सी एडमिरल एस उनको कहते हैं कि मैं नहीं समझता था मेरी जिंदगी में पाकिस्तान बनेगा नेल्सन मंडेला मेरे साथ खेलते थे साउथ क्रिकेटर्स इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में प्रोफेशनल क्रिकेट में तो मैं उनसे हमेशा पूछता था कि ये क्या होगा कि ये तुमने ये जो अपार्ट रिजीम है कि एक आ, जो जो ब्लैक अफ्रीकन हैं वो जा नहीं सकते उनके लिएदा जगह हैं उनके लिए स्कूल वो गरीब इलाकों में गोरों के लिए इलाके यानी उन्होंने एक सारा साउथ अफ्रीका की रिसोर्स को गोरों ने कब्ज़ा किया हुआ था और फ़ौज उनकी थी और वो सारे ग़ुलाम थे बाकी तो मैं उनसे पूछता था कि कितनी देर चलेगा वो कहते ये चेंज हो ही नहीं सकता वो कई उनमें से मुखालफत करते थे कि जब वो बाहर आते थे देखते थे कि बड़ा अजीब निज़ाम है उधर तो उनको नहीं पता चलता था लेकिन वो मुझे हमेशा कहते थे कि चेंज आ ही नहीं सकता क्योंकि सब पैसा उनके पास है फौज उनकी है रिसोर्सेस उनकी हैं वो तो बेचारे जो ब्लैक अफ्रीकन तो, वो तो अनपढ़ और नेल्सन मंडेला की फेमस सैंग है अंग्रेज कहता है कि इट ऑलवेज लुक्स इम्पॉसिबल टिल इट हैपन्स हमेशा वो लगता है नामुमकिन हो जब तक जब वो हो जाता है कोई भी सोच नहीं रहा था देखते देखते वो साउथ अफ्रीका चेंज आ गया सबसे बड़ी तो चेंज नबी सलम आप देखें कि दो हजार छ सौ पच्चीस छ सौ पच्चीस में होती है जंगे बदर तीन सौ तेरह मुसलमान लड़ने वाले छह सौ सत्ताईस और अट्ठाईस दो वो लेटर लिखते हैं एक जो एक सुपर पावर होती है पर्शियन एम्प्रर और दूसरा जो कि बेजेंटाइन रोमन एम्प्रर था उसको ये खत भी प्रजर्वड है दो खत लिखते हैं कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं अपनी बेहतरी आपकी बेहतरी होगी अगर आप हो पे इस पैगाम पे चले सोचें कि जो उनकी एक एक लाख की फौज थी ज, सारे मॉडर्न इक्विपमेंट थे तो सोचें कि क्या उन्होंने सोचा होगा कि एक 313 लड़ने वाले वो खत भेज रहे हैं लेकिन कौन ये सोचता था कि ये छः सौ छः सौ सत्ताईस अट्ठाईस को दो खत भेजे उन्होंने और उसके 10 साल बाद दोनों बड़ी बड़ी सुपर उनके सामने घुटने टेक गई ये तारीख का हिस्सा है कहने का मकसद ये है कि ये मायूसी मुसलमान के लिए गुना है हम जब मायूस हो जाते हैं जी कुछ भी नहीं हो सकता आपको पता ही नहीं मेरे मेरी अंदाज़ा ये, ये है कि ये जो जिधर फंस गए हैं नरेंद्र मोदी कदम उठा के हिंदुस्तान में इसका अब सिर्फ एक ही नतीजा होगा और इन कश्मीर आज़ाद होगा शुक्रिया बहुत शुक्रिया जनाबे वजी इस्लामी जमहूर पाकिस्तान इसी के साथ इजलास सात अगस्त दिन ग्यारह बजे तक के लिए मुलतवी किया जाता है। वजीर अजम इमरान खान आज़ाद कश्मीर की कानून असम्बली से खिताब कर रहे थे और उन्होंने आगाज़ भी और अख्ताम भी इसी फिर से किया कि कश्मीर होगा। आज़ाद होगा वज़ी अजम इमरान खान का कहना था कि आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली को खराज तहसीन पेश करता हूँ कश्मीर के आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ और भारत में भी आज लोग कश्मीर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कश्मीर कौस को आलमी सतह पर उठाते रहेंगे कश्मीरीों की हिमायत जारी रखेंगे साथ